तो भाई अब हम तैयार हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, और हम जा रहे हैं दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में, जो कि है मुंबई में गोरेगांव। ठीक बाबा, ये बात ना। तो हमने हमारी रेंटल्स जो है वो बुक कर लिए, और अब हम निकलेंगे। सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो तैयार नहीं हो रहा क्या? हो रहा हूँ। अरे वो तो बाहर रखे बिस्तर होंगे सब को यहाँ पे। बिस्तर होंगे तो पोछा लगा देना भाई। नहीं पोछा कौन लगाएगा, थोड़ी आएगी। और इधर पूजा दी भी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग को ऐसे मिलो, हाँ मिलते रहते हो वैसे तो, अब तो रोज का हो गया। बाकी इधर ये ओ हो देखो, ये हमारे स्पेशल, ये मिस्टर ऋषभ जैन, जो कि ट्राई करना चाह रहे हैं कि मेरे पैरों में कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं। ऋषभ क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आपको कमेंट बताइए। उसके बाद क्या ना, उनको शांति आ जाएगी। तो मैं भी रेडी हूँ मम्मी, भैया मेरा कोई काम है, मैं जाऊँ मेरा वो बैग ले जाता हूँ। चलो नहीं, बस ये लेके जा रहा हूँ। मुझे अब कुछ नहीं करना मम्मी, गुलाब जल वह दे रहा हूँ। फिर इसके नीचे में तो अब मैं चल दिया नीचे कैब के पास, क्योंकि कपिल भी आ वहीं पर ही और वो मेरा वेट कर रहा होगा। हाँ अरे बोलो ना ऋषभ भैया, बोलो ना भाई। मेरे पास वापस से बोल दे दे। एक बड़ी भाई, पानी की बोतल भी आ चुकी है 2 लीटर वाली। और नीचे उतरता हूँ, सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, छत आ गई डायरेक्ट। हाँ उतरने उतरने में तो मैं थक गया भाई। और मैं ढूंढ रहा हूँ कपिल भैया को, तो वो रही हमारी कैब और कपिल भैया हमारा वेट कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पता है मुझे देख के आ रहा, मेरे को वार्न करा था कभी कि भाई रोड देख के आओ। ये तेरे यार ख्याल लगा रहे तो मिलो अब यार कपिल भैया से। कपिल भैया ने मोबाइल दे दिया होगा, फोटो भी दे दिया होगा, फोटो भी दे दिया। तुम बाइक से लगा मेरा फेस कुछ लगाया या तुमने? सनस्क्रीन लगाया भाई। हां कुछ तो लगाया, देखो थोड़ा सा। हां गर्मी बहुत तेज है, हाइड्रेटेड रहो भाई, डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। फायदा आ गया, हमारे ड्राइवर भी आ गए, उनसे ही मिला देते। ये हमारे ड्राइवर भी हैं जो कि हमें पूरा मुंबई घुमाएंगे। चलो फिर अब हम बैठ के पूरी फैमिली फिर बात करते हैं आपसे। तो भाई अब हम निकल चुके हैं नवी मुंबई से, कहाँ पर? दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में। हाँ डायरेक्ट फिल्म सिटी में, एक घंटे तो दादा साहब फिल्म सिटी में डायरेक्ट है। हाँ तो हम निकल चुके हैं फिल्म सिटी के लिए, और वहाँ पर जाके हमने 3:30 की टिकट जो है ऑनलाइन बुक कर लिए है। 1,099 रुपए और 7 रुपए GST। हाँ तो भाई बताओ, हेलो कहाँ लगाया फोन, आपको क्या काम है? तो भाई अब शुरू करते हैं, बाकी आप लोग जब तक पीछे मिलो, आप पीछे मिलो साहब। हाँ हमसे तो मिल लिया, हमने वो है जो हमने हेलो बोला। चलो ठीक है, हेलो के बाद हेलो के बाद जिनको हमने हेलो बोला। तीसरा हेलो सुन लो भाई साहब, हम चौथे। अब तू है कौन? हाँ भाई पैसे का दिन, पीछे पीछे बस आओ जो। अरे महाराज हम करते हैं कौन जूते? महाराज मैं तुम ही कौन, नहीं तुम
क्या बोलेंगे वैसे महाराष्ट्र में, तुम्हें बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो महाराष्ट्र में कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो महाराष्ट्र में तुम कौन हो, कैसे बोलेंगे अरे भैया बताएंगे भैया, हम कौन सी लोकेशन, भैया तुम कौन हो को महाराष्ट्र में कैसे बोलेंगे, पहले मराठी सुन लो फिर बात बात करते हैं। ये सुबह से मेरा बाया नाक चाल रहा है, मैं अब चाल रहे हैं, मैं पहुंच गया हूँ तुम। हाँ तो भैया तुम कौनों को मराठी में कैसे बोलेंगे, तू कौन है, अरे ये तो हिंदी हो गया, कौन है तू, ये तो हिंदी हो गया, वही बोलते हैं तुम और तू। अच्छा अच्छा क्या समझ में आ गया क्या तेरे को? हाँ आ गया। रिपीट नहीं तो बनूं। अब क्या लेसन लर्न? लेसन लर्न? लेसन लेसन। तेरे सब लोग चाय में चटनी बना रहे हैं। क्या यार पापा जयपुर वाली बात कर। ये बढ़िया। ये रूंधर आइडिया बढ़िया। ये न जाने सुबह से मेरा बाया क्यों फड़क रहा है? आइए देखते हैं क्या अच्छा होता है हमारे साथ इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन गोलू जैन के साथ, रिपोर्टर चानो। चलो चलो ठीक है भाई साहब, क्या दिखाया जाओगे भाई साहब आग फड़क। क्या है रिकॉर्ड करा करना, ये तो वहां बच्चा लगा हुआ मीम वाला बच्चा ही ना घर से बता ऐसा करते हैं वो है बाबा बुल्लू का लाइज है। अब हम आ चुके हैं पिन सिटी के बाहर गोरेगांव में। तो भाई उनको बोर्ड देखो, बोर्ड दिखेगा नहीं, यहाँ से पास जाना पड़ेगा। अपना एंट्री लेंगे जब दिखा दूंगा एक ही बार, खिड़की की तरह बैठनी है यार, क्या हो गया। हाँ तो भाई ये सबका एक्सपीरियंस देख लो एक बार, सब क्या एक्सपीरियंस तुम्हारा, बोरिंग लग रहे हो तुम तो। क्या वो? बोरिंग लग रहे हो तुम क्या? अब करो ना तो, अब करो, अब करो तो बताओ रे। चलो चलो दिस मैन वांटेड टू कम टू वेंचर्स इन सो लॉन्ग एंड टुडे वी हैव ब्रॉट हिम हियर रिपोर्ट टेनवुड। दिस क्लॉक आर वेरी गुड किक अभी हम वेटिंग हॉल में बैठे हैं फिल्म सिटी के। यहाँ पर हर जगह बॉलीवुड के पोस्टर्स हैं, है ना, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनकी फोटोज वगैरह लग रखी है। नहीं मैं आपको या पूजा दीदी को नहीं डिनोट कर रहा हूँ इनमें, ये सोच रहे हैं कि मैं इनको एक्टर डिनोट कर रहा हूँ तो ये गलत सोच रहा आप। बाकी कुछ खाने पीने के लिए स्टॉल भी है, बाकी सब सही चल रहा है। बस अब 3:30 बजे हमें जाना है और लगभग 3:01 हो चुके हैं। हमारी बस आ चुकी है अब जाने के लिए और नाम अनाउंस होंगे जाने के लिए। हमें भूख लग रही थी तो हम खाने के लिए गए नीचे। क्या यार पूरा ब्लॉग कैसे कर दी। अब नाम अनाउंस होंगे भाई क्या हुआ नहीं क्या नाम अनाउंसमेंट नहीं है भाई तो मैं बोल रहा हूँ तो भाई अभी वेट करता हूँ आप लोग सर कुछ नहीं, आप बैठ जाइए, आपको वहाँ बैठना है ना, चलेगा बैठ जाइए प्लीज। चलेगा आपको कहाँ बैठा आपको?
कहाँ पर है पीछे में? तो हम आ चुके हैं और अब कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह होगी माइक से, तो सुनेंगे थोड़ी देर में। बाकी मम्मी पापा कपिल भैया पीछे बैठा है, पीछे भैया साथ में भैया आ गए हैं। यहाँ भैया हाय बोल रहे भैया, तो अब अनाउंस कर सुनेंगे और उसके बाद बातें करेंगे। सो माय नेम इज मानसी, आई एम टुडेस गाइड। सो वी आर टोटल 3 आवर्स ऑफ 2, 1.5 आवर विल बी कवर्ड फॉर द आउटर लोकेशंस एंड 1.5 आवर विल बी कवर्ड इन द बॉलीवुड पार्क। इन बॉलीवुड पार्क वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, मल्टीपल लाइव शोज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, 7D टेक्निकल डिपार्टमेंट, वी हैव सेट्स ओवर देयर। सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज डू नॉट फोर्स मी दैट आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद एन एक्टर, वांट टू गो टू द प्रोडक्शन हाउस वांट्स टू सी दैट सेट। सो दिस इज नॉट कवर अंडर दिस टू, बट यस वी हैव सम लोकेशंस, वी विल गो डाउन इफ द शूटिंग इज हैपनिंग आउटसाइड, वी विल डेफिनेटली टेक यू टू दैट प्लेस। राइट साइड में ये है साई मैदान। तो साई मैदान क्या, जहाँ सबसे पहले साई बाबा की एक मूवी बनाई गई थी। आप लोगों ने पठान देखी है? पठान में दुबई दिखाया गया था, पूरा दुबई इधर ही तो बनाया गया था। इसके अलावा कमांडो 3 के लिए पाकिस्तानी जेल इधर बनाया गया था, खिचड़ी 2 का पूरा शूटिंग इधर ही हुआ है, द केरला स्टोरी में जो अफगानिस्तानी जेल दिखाया, हीरा फेरी 3 का सेट बना रहे हैं। भाई ये बिग बॉस का सेट है और ये वैनिटी मैन सलमान खान की है, वशा दद्दरी हो जी, 27 और 12 नंबर है जो कि उनकी बर्थ डेट है। इधर भी ये सेट्स हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्शन, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन कुछ तो रही है, कट प्रोडक्शन भाई सेट्स ही सेट्स है भाई, यहाँ पर सेट्स है। राइट साइड में आप सभी ने एक मूवी देखी होगी ओम शांति ओम, यहीं पे ही दीपिका पादुकोण को जलाया गया था। हाँ वो भी जिंदा है पर जलाया यहीं पे ही गया था। सो एट द राइट हैंड साइड वी हैव वेरी फेमस मूवी ओम शांति ओम। So the burning scene of Deepika Padukone shooted on the same place. काफी बारी आप लोगों ने सुना होगा 10 लाख रुपए लेकर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की सफलाश मिलेगी। अभी यहीं पे बुलाते हैं, कुल मिलकर मैं जादू की एंट्री यहीं से ही दिखाई गई, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसी को ही बनाया जाता है। तो एट द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड एज खंडाला ब्रिज, सो वी हैव हॉरर सीन, मर्डर सीन, एक्सीडेंट सीन, सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज वेरी फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ सीन। राइट साइड में देखा ना ये वाला मंदिर, देखा है ना ये वाला, ठीक है लेफ्ट में देखिए मंदिर पे तो आएंगे, पहले लेफ्ट में देखिए अक्षय कुमार का, अरे उधर शूटिंग नहीं इधर घर देखना है। अक्षय कुमार का एक काफी फेमस एड है, हर मूवी स्टार्ट होने से पहले आता है फूफू वाला नंदू वाला एड, 10 रुपए बचाइए सैंड्री पैड सीजे, वो पूरा एड यहीं पे शूट किया गया। चलिए तो भाई अब हम आ चुके हैं बागबान के सेट पर, और ये है बागबान का सेट जो बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन का घर दिखाया गया है। आगे चल के कंटिन्यू करते हैं, आओ मैं आओ ये देखिए साइड दो ना वो आगे 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 आप लोग के लिए मतलब चलो चलो आगे चलो चलो हम लोग जाने वाले हैं घर के अंदर। करीना कपूर की शादी हो रही होती है, फरहान फोन करके बोलते गाड़ी बार खड़ी आ जाओ, तो गाड़ी बार वहाँ खड़ी क्या शादी का नंदा पिया बनाया। ओ भाई साहब देख लो भाई, का जितनी बार मॉल रोड दिखाएंगे यही पूरा मॉल रोड आपको भाई लग भी वही रहा है, मॉल रोड ही लग रहा है गाड़ी का, तो फिर भी याद है मंदिर पे बिल्कुल कुछ तो बनाया था यार इंग्लिश में, वो शेर चुनला बार मॉक नहीं। तो भाई अभी अपन को यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर देखो कैमरा, देखो आप कैमरा देखो, मतलब वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और लेंस तो इसमें कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जाके ज़रूर देखूंगा अभी। तो भाई अभी एक शॉट रेडी हो रहा है, यहाँ पर पूरा सेटअप आ चुका है कैमरे का, और यहाँ पर एक्टर रेडी हो रहा है बाइक पे बैठने के लिए, जो कि हेलमेट पहन रहा है और शक्ल वगल उसको दिखाई जा रही है। अभी ये जो भी है कास्ट में लेडी ये यहाँ पर आ गई है एक्टिव पॉइंट पर, हाँ कुछ तो गर्ल पे ना कुछ तो ऐसा मुक्का था मारा हुआ है किसी ने, तैयार हो रहा है कौन जितना बोल रहे हैं लोग
पता है नहीं। सब बच्चा भी बैठे हैं अभी भाई, ये देखो शॉट रेडी हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म सिटी ऑफ मुंबई गोरेगांव। और अभी हम जा रहे हैं दिव्यांका त्रिपाठी को देखने, जो कि बहुत सारे फेमस सीरियल्स में लीड कास्टिंग के तौर पर देखी जाती है। और यहाँ पर दिव्यांका को देखने का हमें बिल्कुल शौक नहीं, क्योंकि हमें पहले तो दिव्यांका त्रिपाठी पता ही नहीं है। वाओ, व्हाट अ स्वीट पीस। चलो, सो यार, वी आर गोइंग टू वेयर? दिव्यांका नाम ही रह गया मेरे। इसी बहाने क्या दो चार लड़कियां बढ़िया दिख रही है। क्या यार, छोटी सोच, छी, स्मॉल पीपल्स From small city. ये देखिए आप दिव्यांका त्रिपाठी को, फोटो भी लिए। बोल मैदान में शूटिंग चल रही है। ये ले एट बॉलीवुड पार्क, और अंदर जो है हम एंट्री ले रहे हैं। तो हाँ, छोटी बस लोग आए, बस छोटी बस, उनको पुलिस थाना, उदयपुर पुलिस थाना भाई, थाना भाई, मुंबई में उदयपुर का पुलिस थाना दिख रहा है हमको। अरे ओ ओ, क्या हंस क्या रहे हो तुम, क्या हंस क्या रहे हो? पुलिस थाने जाने क्या? हाँ, तो पापा को ढूंढ रहे हो। हाँ, पापा को ढूंढ ही रहे हो तुम नीचे देख के। हाँ तो भाई, अब चले अंदर। तो बढ़िया एसी चल रहा है भाई, अंदर कूलिंग हो रही है भाई। सो है वी एट बॉलीवुड पार्क। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या थ्रिल होता है। तो यार फोटो खिंचा चाहिए भी गंजन भाई, तेरा बहुत धूप हो रहा है। तो भाई अभी हम हैं यहाँ बॉलीवुड पार्क में, और यहाँ पर बहुत सारे सेट्स हैं, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर सारे सेट्स पे वीडियो बनाकर, फोटो खींच कर, और सब सेट्स पे एंजॉय कर यहाँ पर। मतलब कहीं सारे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कहीं सारे ऐसे सेट्स हैं जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। चलिए साथ में अब आगे चलते हैं, क्योंकि एक अभी शो होने वाला है, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो या सी यू। सो हेयर वी गो फॉर बॉलीवुड शो, और ये हमारे रेड कारपेट का एंट्री, जो कि बहुत ही शानदार है। और ये कपिल शर्मा की तरह एक सेट, और सामने बॉलीवुड पार्क का एक सेट। ले उधर चलते ना भैया, उधर चलते हैं, आओ। है वी आर एट, हाय भैया, दिख तो नहीं लेकिन आगे आ जाओ। तो ये हमारे यहाँ के आज की म्यूजिक कंपोजर है, जो कि माइक और ये सब संभालेंगे। और हेयर विद इट बॉलीवुड शो। सो वी आर एट बॉलीवुड शो, यू नो, आई गेस, आई थिंक इट विल बी एन अमेजिंग शो। स्पिनिंग, सी यू आफ्टर द शो। बाय बाय। तो रात को ट्रेन पड़ गई ना, जाएंगे ट्रेन वन। एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्माती, मुझसे पूछा करती थी, मैं
काली काली आंखें देखा जो मुझे So, we are at Chroma Studio or Chroma Set where shooting takes place. और इस क्रोमा के पीछे आप देखते हो कि दुनिया चेंज जाती है, वॉलपेपर चेंज होते हैं, इसी के पीछे होता है, एक्टर्स एक्टिंग करते हैं अपने। फिर मूड ऑफ कर दिया, मैंने खर्च किया है। तो भाई अब हम फिल्म सिटी से और बॉलीवुड पार्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं। हमने बहुत सारे शोज़, बहुत सारे स्टूडियोज़ और बहुत सारी कास्टिंग ऐसी देखी जिससे हमें बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही एंटरटेनिंग थे सब लोग और सब ग्राउंड मतलब डाउन टू अर्थ लोग थे, ग्राउंडेड थे सभी। तो फिलहाल तो कुछ तुम्हें कहना बस मेरे साथ जय हिंद कपिल यादव को जय शिवाजी, जय शिवाजी राजे भाई, जय महाराणा प्रताप। तो चलिए अब हम अब आगे जाते हैं, कहीं तो जाएंगे बांद्रा या मरीन लाइन से। तो भाई मेरे गोप्रो की जो है बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो गई थी तो ये पावर ऑफ मोड में चला गया और अब हम बाहर जाएंगे, अब हम बाहर जाएंगे और आगे जाने का क्या प्लान है? डन विद फिल्म सिटी और इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर अस। इट वाज अ मिक्स एंड मैच। एग्जैक्टली ये बोलना चाह रहा था मैं लेकिन ठीक है, तीन की शादी थी। तो अब मुझे बताओ अपन कहाँ जा रहे हैं? We will be going to Bandra. For? Of course, Mannat. चलो फिर मिलते हैं आपसे मन्नत के बाहर या फिर उससे पहले के इंट्रो पर। तो या सी यू। मतलब कहे यार बड़ा अदर अदर है। हाँ तो भाई अब हमने मन्नत के लिए, हाँ भाई हमने खाना आना खा लिया है और अब हम रेडी है मन्नत जाने के लिए और हम बांद्रा में आ चुके हैं। बांद्रा में ही है ना मन्नत? बांद्रा में ही है ना मन्नत? तो भाई अब बस हम बांद्रा में ही है और मन्नत पहुंचने वाले हैं। हाँ तो भाई बता पूरा नाम क्या है? नहीं बस मन्नत। तो बस अब हम शाहरुख खान के पास जा रहे हैं उनसे मिलने। शाहरुख खान वीआईपी लोग हैं, हम वीआईपी गाड़ी में बैठे हैं और जाएंगे वीआईपी से मिलने। अरे वो तो चलो भाई अब हम जा रहे हैं मन्नत पे, वहाँ मिलते हैं आपसे। सो भाई लोग हियर वी आर एट अरे थुकना क्या है भाई, मर जाएंगे एक दिन, वैसे ही मर जाए, मौत तड़प के आनी है भाई। सुखी गर्म ही अच्छा नहीं ना भाई। गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड देन एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। तो भाई आप लोगों का स्वागत है मन्नत पे और ये मन्नत देख के साथ में मन्नत को देख के हम सभी मन्नत मांगेंगे कि हमारी भी मन्नत ऐसी पूरी हो और आप भी मन्नत पूरी हो गाइस। सॉरी ब्रो। तो ये मन्नत है गाइस, ये मन्नत का मेन गेट है, लैंड्स एंड जिसको बोला जाता है। तो बस शाहरुख खान का पिकअप पॉइंट ही। तो शाहरुख खान को कॉल कर देता हूँ यार। भाई तुम्हें पता है यहाँ भी बैठना अलाउड नहीं है, कहीं बैठो। अरे नहीं ऐसे रेगुलर बैठ मतलब। भाई ये रहा मन्नत, देखो अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा, बस यही दिख रहा है जो है। यार शाहरुख खान ने गेट चेंज करवा लिया है, गेट पहले अलग था ना कुछ था ना पहले। हां फोटो खींचेंगे। तो भाई अभी फोटो खिंचाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो आप ये है मन्नत का पीछे बैक और ये लिखा हुआ था बड़ा बड़ा लेंस एंड। तो भाई अब हम मन्नत को देखकर फ्री हो चुके हैं और हम आ गए हैं बैंड स्टैंड पर
तो अभी हमें यहाँ पर कुछ दो तीन चीज़ें नहीं देखने को मिली, जैसे कि एक गोल्डन मैन जिसका नाम है गोल्डी स्टैचू, जिसको आप इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो एज इन तौकीर आलम नाम से हैं, तो हम इनके पास जाते हैं। सो हाय भैया, तो ये है हमारे स्टैचू मैन जो कि है गोल्डी स्टैचू, सही बोल रहा हूँ? और आपका रियल नेम क्या है? तौकीर आलम लिखा हुआ है। तो आप मुंबई के लोकल हो या फिर कहाँ से हो आप? मैं बिहार से। आप बिहार से हो? अरे क्या बात भाई, बिहारी मेरे कुछ दोस्त हैं बिहारी, मतलब पटना में रहते हैं, दानापुर कैंट, अगर आप जानते हैं दानापुर कैंट में रहते हैं। चलो अच्छा लगा आपसे, क्योंकि आप कब से हो यहाँ पर? मैं 6 साल से हूँ। 6 साल से यहाँ पर? 6 साल से। ओके, मैं भी आया था एक्टर बनने के लिए मुंबई, है यहाँ सब सपने देख के आते हैं। बिल्कुल सच बात है भैया, बिल्कुल सच बात है। मैं हूँ सोने का पुतला मेरी मोती की आंसू, मैं हूँ सोने का पुतला मेरी मोती की आंसू, मेरे दिल में है आग मैं दरिया के पास हूँ। अरे आग की दुनिया में एक मैं ही खड़ा हूँ, अपने पैरों पे नहीं काबिलियत पे खड़ा हूँ, सपना टूटा तो क्या हुआ है दुनिया, मैं पैसों पे नहीं खुशियों में गया। वाह यार, सेक्सी वो लिटरली सेक्सी। चलो फिर आपसे मिलके, मेरा नाम गोल्डी स्टैचू, आप इंस्टा पे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो आप भाई जितना ज़्यादा हो सके इनको सपोर्ट करो, ये मुंबई आए हैं अपने सपनों को लेकर, उनके सपने को पूरे करने के लिए। जो व्यूअर्स हैं वही हैं जो इनको अपनी कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। सो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, कभी आप जयपुर विजिट करो, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से हूँ, तो आप आओ, बाकी मिलते हैं अगली बार। सो तो भाई अभी हमें भैया से मिलके तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप इनको फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो या फिर इनको सपोर्ट करते रहो, उनकी शायरी तो वाह यार माशाल्लाह सेक्सी। तो अब हम मिलते हैं आगे जुहू बीच पर, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू, मैं आपको दिख नहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ पर तो लाइटिंग का इशू है, तो अब मैं दिख जाऊँगा। तो यार सी यू बाय। तो भाई अब हम आ चुके हैं जुहू बीच पर, और पीछे मेरे आपको चौपाटी दिख रही होगी, और यहाँ पर बहुत सारे परेशान करने वाले लोग भी हमारे साथ में। तो ये रहा मैं, एकदम चमकता धमकता, पीछे लहरें बहुत तेज है और आराम से हम बीच के यहाँ पर बैठे। हाँ वीडियो वीडियो कवर नहीं कर रहा। सुन तेरे वो पहले से लिंक रख ली उसको पहले। अरे है बना भाई बना, 3, 2, 1। खतरनाक फाड़ भाई फाड़। अब सुन वापिस भाग के आई खतरनाक अल्ट्रा मजा आ गया। तो भाई अब हम जुहू पे आ चुके हैं। तो भाई अभी हम हैं जुहू की चौपाटी पर, और यहाँ पर मतलब अच्छी भीड़ है, क्राउड है, और लोग भी अच्छे जेंट्री के दिख रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा एरिया जो है वो चौपाटी से भरा हुआ है, लोग बाग खा रहे पी रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं, अब अपन कहाँ चल रहे हैं है? अरे अब लोकेशन, अब हम हैं महाराष्ट्र के डेवन जो कि मुंबई के एंड पर आ चुके हैं, और आज है हम दुनिया के सबसे जाने माने आदमी, इंडिया के सबसे अमीर आदमी और इंडिया की सबसे फेमस बिल्डिंग के सामने जो कि है मुंबई की एंटीलिया। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है, और इस पर कहते हैं कि हेलीपैड भी है, तो डायरेक्टली यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होता है आउट ऑफ कंट्रीज़ का भी। तो अब हम बस एंटीलिया के बाहर है, और यहाँ से अब हम जाएंगे नेहरूल हमारे घर पर, और उसके बाद ये ब्लॉग हो जाएगा ख़त्म। तो भाई यही है वो जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी का घर है, जो कि है मुकेश अम्बानी सर, और ये उनका एंटीलिया बिल्डिंग है जो कि बहुत ही ऊंची है। ठीक है, हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वीडियो बीच में मैंने रोक दिया, और अब हम चल रहे हैं वापस हमारी टैक्सी की तरफ, और अब हम जा रहे हैं नेहरूल हमारे घर पर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और नींद आ रही है, कल दिन के हम 4 बजे के निकले हुए हैं। सो या सी यू ऑन द नेक्स्ट डे, द डे 2। तो ये था हमारा महाराष्ट्र का डे 1 जो कि पूरा मुंबई कवर कर लिया हमने, अब हम डे 2 पर मिलेंगे। तो सी यू।